305 TR कंपनी, क्या ढूंढना तूने बोला था? मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग सेलिंग प्राइस, ऑप्टिमम सेलिंग मैक्सिमम प्राइस। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग सेलिंग प्राइस फॉर पैराफिन एंड रिजल्टिंग एनुअल प्रॉफिट विच TR कंपनी विल मेक फ्रॉम चार्जिंग दिस प्राइस. ठीक है, ओके, चेक कर लेते हैं. TR कंपनी इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी विच रिसर्चेज एंड डेवलप्स एंड मैन्युफैक्चर्स अ वाइड रेंज ऑफ ड्रग्स. वन ऑफ दीज ड्रग्स पैराफिन इज अ पेन रिलीफ ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेड एक्स एंड अंटिल लास्ट मंथ TR कंपनी हैड अ पेटेंट ऑन पैराफिन विच प्रिवेंटेड अदर कंपनीज फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इट. द पेटेंट हैज नाउ एक्सपायर्ड एंड सेवरल कॉम्पिटिटर्स हैव ऑलरेडी एंटर्ड द मार्केट विद सेवरल वर्जन ऑफ पैराफिन विच आर मेड यूजिंग द सेम एक्टिव इंग्रीडियंट्स. TR कंपनी इज रिव्यूइंग इट्स प्राइजिंग पॉलिसी इन लाइट ऑफ चेंजिंग मार्केट. इट हैज कैरिड आउट सम मार्केट रिसर्च इन एन अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश एन ऑप्टिमम प्राइस फॉर पैराफिन. द रिसर्च हैज एस्टैब्लिश दैट फॉर एवरी टू डिक्रीज इन प्राइस डिमांड वुड बी एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5,000 बैचेस विथ मैक्सिमम डिमांड फॉर पैराफिन बीइंग 1 मिलियन बैचेस. ओके, ईच बैच ऑफ पैराफिन इज करेंटली मेड यूजिंग द फॉलोइंग मटेरियल्स. 500 ग्राम्स ऑफ मटेरियल जेड एट $0.10 पर ग्राम एंड यहाँ पे 300.5 पर ग्राम डॉलर. ठीक है, ईच बैच ऑफ पैराफिन रिक्वायर्स 20 मिनट्स ऑफ मशीन टाइम टू मेक एंड द वेरिएबल रनिंग कॉस्ट ऑफ मशीन आर सिक्स पर आवर. द फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी 2 पर बैच ऑफ द पीरियड बेस्ड ऑन द बजटेड प्रोडक्शन लेवल ऑफ 2,50,000 बैचेस. ओके, हाँ, द स्किल्ड वर्कर्स who have been working on paraben until now have been moved to production of TR company's new unique anti-malaria drug which cost millions of dollars to develop. TR company has obtained a patent for this revolutionary drug and is expected to save millions of lives. No other similar drug exists and while its demand levels are unknown, the launch of the drug नहीं, is ये अलग legally क्वेश्चन करेगा आई गेस. ये नीचे वाला जो क्वेश्चन है ना, वेदर पेनिट्रेशन और मार्केटिंग स्कीमिंग वुड वर्क, हाँ, ये है किसी ना? और चीज का है बट नीचे फिर से पैरापाइन का है. एजेंसी स्टाफ हु हाँ आर वही. कंप्लीटली न्यू टू प्रोडक्शन ऑफ पैरापाइन एंड कॉस्ट 18 पर आवर विल बी ब्रॉट इन टू प्रोड्यूस पैरापाइन फॉर अ फोर्सेबल फ्यूचर. एक्सपीरियंस हैज शोन देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट लर्निंग कर्व इन्वॉल्व्ड. अच्छा, ये तो लर्निंग कर्व का क्वेश्चन है फिर. ये फर्स्ट बैच को लगे थे 5 घंटे टू मेक. हाउएवर इट इज बिलीव दैट 80% ऑफ द लर्निंग कर्व एग्जिस्ट इन रिलेशन टू प्रोडक्शन ऑफ द ड्रग एंड दिस विल कंटिन्यू अंटिल द फर्स्ट 1,000 बैचेस हैव बीन कंप्लीटेड. TR company's management has said that any pricing decisions about Parapine should be based on the time it takes to make the 1,000th batch of drug. Coefficient दिया हुआ है लर्निंग का, तो ये अच्छी बात है. अपने को मतलब फिर अपने को अभी ये ऑप्टिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग सेलिंग प्राइस जो निकलना है वो कैसे निकालेंगे फिर? अभी देख, उसके लिए तो अपने को वो फॉर्मूला ही लगाना है. पहले पहली बात तो a-bq वाला बराबर है. सबसे तो पहले ना यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, सेलिंग प्राइस
ये मेन आंसर रहेगा ना अपना। अगर मैं मेन ये करके रख रहा हूँ तो पहले तो P इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू बराबर। अरे यार ऑटो करेक्ट भी हो गया। ठीक है छोड़। ए पी क्यू मेरे को मिलेगा P बराबर। मेरा B कितना था तो मैं सबसे पहले वर्किंग नोट क्रिएट कर देता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1 बी तो अपने को दिया है ना, तो पूरा ही ले लेंगे। अरे भाई वो ले तेरा ये लर्निंग कर्व का है। ओ लर्निंग कर्व के लिए वो वाई वाला फॉर्मूला है ना। हाँ 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 वाई ठीक इज ठीक इक्वल टू ए एक्स रेस टू बी। ए एक्स। हाँ अपॉन चेंज इन क्वांटिटी बिकॉज बी क्या है तेरा, बी इज द ग्रेडियंट। ये तेरे को दिल गया तेरा बी, मिल गया तेरा बी। ठीक है अभी तेरा ए क्या है, ए इज द पॉइंट वेयर इट इज द मोस्ट मतलब मैक्सिमम बराबर है। अभी तेरी क्वांटिटी कितनी थी कि देख 5,000 बैचेस, तेरे 5,000 बैचेस कम हो जाएंगे। हाँ मैक्सिमम डिमांड थी 1 मिलियन की, लेट्स गो भाई। तो ए भी मिल जाएगा, ए के लिए मैक्सिमम डिमांड जो थी ना वो थी 1 मिलियन। 1 2 3 1 2 3 बराबर है क्या, 2 3 6 3 हाँ ठीक है परफेक्ट। तो अभी तेरा बैचेस जितने थे बैचेस थे 5,000 और उसके लिए तेरा डिक्रीज हो रहा था प्राइस 2 से, तो दिस इनटू दिस डिवाइड बाय 5,000 तो मेरे को ए मिल गया मेरा 400 बिकॉज़ 8 is the point where मैक्सिमम प्राइस इज केप्ट। अब मैं इंग्लिश नहीं आता मेरे उतना अच्छे से कि मैक्सिमम प्राइस इज केप्ट वेयर द डिमांड विल फॉल टू जीरो। मैं इसको है ना पिछले क्वेश्चन में अच्छे से लिखा था, क्या लिखा था मैंने इसका, ए इज द पॉइंट एट विच मैक्सिमम थियोरेटिकल प्राइस विल मेक द डिमांड जीरो, वेयर मैक्सिमम प्राइस इज केप्ट वेयर द डिमांड विल फॉल टू जीरो। हाँ ठीक है तो ए मेरा आ गया 400। अब मेरे को चाहिए क्यू, क्यू के लिए मेरे को लगाना पड़ेगा फॉर्मूला MR इज इक्वल टू वो 2BQ वाला। उसके लिए मेरे को चाहिए वेरिएबल कॉस्ट। अब मेरे को वेरिएबल कॉस्ट कहाँ से मिलेगा, रनिंग द मशीन का 6 दिया गया है और नीचे लेबर का दिया गया है। In order to find the quantity, we would need to first find out
In order to find the quantity, we need to use the formula. Use the formula. MR is equal to A minus 2B cube. तो अभी ए तो तेरा 400 ही आएगा, बी जो आएगा उसमें तो कोई 2 को मल्टीप्लाई करेगा, पता है एम आर इज इक्वल टू एम सी, एंड एम सी इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। द मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू, आ गया वो, इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। तो अभी अपने को वेरिएबल कॉस्ट ढूंढना है। नोट नंबर 3, जब तेरे को वेरिएबल कॉस्ट ढूंढना है, नोट नंबर 3, थर्ड वन, वेरिएबल कॉस्ट। फॉर आवर वेरिएबल कॉस्ट व्हाट वुड वी नीड टू डू, रनिंग कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 6। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ रनिंग द मशीन तो 6 दिया हुआ है, प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। ईच ऑफ द पेपर पैराफिन रिक्वायर्स 20 मिनट्स ऑफ मशीन टाइम टू मेक एन वेरिएबल 6 पर आवर। तो देख, ईच बैच ऑफ पैराफिन को 20 मिनट लग रहे हैं, बराबर है, और मेरा क्या वेरिएबल कॉस्ट ऑफ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे ईच बैच को रनिंग के बीस मिनट लग रहे हैं, बराबर है, और मेरा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ रनिंग द मशीन इज 6 पर आवर, तो मेरा बराबर। पर बैच 3 रुपए का हो जाएगा, हाँ, नहीं 2 रुपए का हो जाएगा ना। पर तेरे बैच को बोला है कि किसको बोला है ये 20 मिनट्स का? अच्छा, ईच बैच ही बोला है, सॉरी, बैच, ईच बैच को अगर 20 मिनट मिनट लग रहा है, तो लगता है। मेरा एक बैच दो तीन में बन, नहीं 3 में बनना है ना, दो दो पर यूनिट में बन रहा है, हाँ, एक बैच को। दो नहीं, तीन। देखना, अगर मेरे एक बैच को 20 मिनट लग रहा है सपोज, ठीक है, एक बैच को लग रहा है 20 मिनट, हाँ, मतलब 0.2 पकड़ ले, 20 डिवाइड बाय 40 बाय 60 इतना, और मेरा घंटे का भाव है 6, 2 आता है बात है, बराबर बराबर। आवरली रेट, तो ये क्वांटिटी क्या क्या था मेरा, लेगा? 20 आवर्स। नहीं, क्वांटिटी क्या लेगा बट? तो नहीं, तेरे को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ही चाहिए ना। हाँ, तो वो तेरा ये हो जाता है ना, एमआर, समझा। हाँ, तो वो अभी अपना ये एक हो गया, मतलब ये अपना एक चीज हो गया, इसमें भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट में आता है एक तो मशीन आवर्स ऑफ रनिंग,
मशीन रनिंग पॉज, ये आ गए तेरे 2K। फिर आता है तेरा लेबर, क्यों नहीं, नीचे ने शायद लेबर भी दिया हुआ है ना, अभी फिक्स्ड है, फिक्स तो नहीं आएगा वेरिएबल में, जो आएगा ये लेबर का आएगा, अभी ये लेबर का क्या ही आएगा भाई, सारा मार्क्स का ऐसे नहीं होगा इतना इजी। एजेंसी स्टाफ हुआ कंप्लीटली न्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ पैरापाइन एंड कॉस्ट 18 per hour विल बी ब्रॉट इन टू प्रोड्यूस पैरापाइन फॉर फॉरसिबल फ्यूचर। एक्सपीरियंस हैज शोन दैट देयर विल बी सिग्निफिकेंट लर्निंग कर्व इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग पैरापाइन एज इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू हैंडल। फर्स्ट बैच ऑफ पैरापाइन मेड यूजिंग वन ऑफ द एजेंसी वर्कर्स टुक 5 hours टू मेक। अरे क्या ही है, मैं कितने बैचेस बना रहा हूँ, मैं 1 million बैचेस बना रहा हूँ भाई। 1 मिलियन बैचेस बना रहे तो हाँ बराबर बैचेस ही बना रहे 1 मिलियन। तो वो लोग क्या बोले कि 1,000 बैच तक तो सब मामला ठीक है, तूने MR नहीं नहीं निकाला देखे देखे क्या? देखे 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 देखे, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, नहीं अरे MR सॉरी निकालने के तो वो क्वांटिटी चाहिए ना वेरिएबल कॉस्ट, क्वांटिटी क्वांटिटी हाँ क्वांटिटी वेरिएबल निकालने कॉस्ट के लिए राइट। MR चाहिए, MR से निकालने के लिए वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। मैं 1 लाख नहीं बना रहा हूँ, ये देखे देखे देख, मैं 2,50,000 बना रहा हूँ बेस्ड ऑन द बजटेड प्रोडक्शन लेवल ऑफ टू बजटेड लाख फिफ्टी प्रोडक्शन लेवल थाउजेंड 2,50,000 बना रहा हूँ मैं बैचेस वो। लेकिन अगर उसमें से 1,000 में क्या हो रहा है, 1,000 के लिए लर्निंग कर्व है, बाकियों के लिए नहीं है, तो हाँ मेरे को 1,000 के लिए तो सबसे अभी पहले अपने को लर्निंग लर्निंग कर्व कर्व से। हाँ निकालना पड़ेगा। ना वही तो है, ये 2 तो तेरा बराबर है ना, हाँ 2 तो, हाँ 2 अपना बराबर है। 80,000। चल पहले इतना मैं डाल दिया, तो फिर -MR इसको मैंने डिवाइड किया इससे, चल ना ये मेरा प्लस हो जाएगा ना अभी, तो ऐसा तो सबसे पहले मैं इसको आधा अधूरा तो आधा अधूरा फिर थोड़ा सा लिख देता हूँ, लिंक विंक दे के क्वान्टिटी ऊपर चला देता हूँ रियली। इतना मैंने बस लिंक दे के रखा है, लेकिन उससे पहले अपने को लेबर कॉस्ट निकालना है क्योंकि वो ऐड होगा वेरिएबल कॉस्ट में, ठीक है। तो भी एक्सपीरियंस है शोन दैट सिग्निफिकेंट लर्निंग कर्व। ओके मैं को समझा, ये देख 18 घंटा अपना भाव है, बराबर है 18 घंटे का अपना भाव है, अपने को 1,000 तलक जितना टाइम लग रहा है ना उसको अपने को 18 से बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझा। 1,000 क्या बोला क्या बोला वापस। अपना अगर 18 का रेट है, बराबर अभी अपना 18 का रेट है, तो जो भी अपने को हाँ लर्निंग करके बाद वो अमाउंट आएगा ना टू मेक द 1,000 यूनिट, जो अपने को हाँ अमाउंट आएगा उसको अपने को शायद 18 से मल्टीप्लाई करना है। तेरे को सबसे पहले कॉस्ट पर आ रहा है क्योंकि वो
हाँ तो तेरे को सबसे पहले 1000 यूनिट्स बनाने के लिए कितना लगेगा वो टाइम निकालना है। उसके बाद बराबर 1000 यूनिट निकालने के पंच लिए तेरे को यूनिट कितना के लिए। टाइम हाँ लगेगा। उन दोनों को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे या वो नहीं पता मेरे को, लेकिन पहले इतना कर लेते हैं। नहीं दोनों नहीं, वो दोनों का डिफरेंस निकाल के फिर उसको 18 से मल्टीप्लाई कर। अच्छा नहीं, अपने को टोटल 1000 यूनिट्स का चाहिए कि 1000th हाँ का चाहिए? अपने को दोनों का चाहिए ना, क्योंकि तू पहले 1000 तक का लर्निंग करवे, 1000 के बाद हाँ जो 249,000 है ना यूनिट्स, उसके लिए हाँ लर्निंग कर्व सेम ही रह रहा है भाव, वो बोल रहे हैं। ओके दस भी नीड टू यूज फॉर्म्यूला वाई इज इक्वल टू ए इंटू एक्स बी, एक्स रेश टू बी, सॉरी एक्स रेश टू बी। अभी जो तू बोल रहा था कि बी दिया हुआ है, बी इज -0.4 सॉरी 3219 28, ये इतना दिया हुआ है अभी। ए ए मतलब अपने को पहला बनाने के लिए कितना टाइम लगा था, अपने को पहला बनाने के लिए 5 घंटे लगे थे, और अभी अपने को बनाने कितने हैं, एक्स एक्स अपने को बनाने हैं 1000 बराबर। बराबर ओके तो सबसे पहले तो एक्स रेस टू बी निकाल लेता हूँ मैं पावर का फॉर्मूला लगा के, देखो चाहिए तो बताना। तेरे क्या बोला? को अगर पावर के फॉर्मूला में हेल्प चाहिए रहेगी तो बताना, क्योंकि तू एफएम के टाइम पे था नहीं ना, हाँ ऐसे नहीं, वो इसीलिए। बताया हाँ ना तूने उस दिन। तो इतना टाइम लग रहा है 1000 यूनिट्स बनाने के लिए, टाइम रिक्वायर्ड क्यूमुलेटिव टाइम रिक्वायर्ड ना, ये तो क्यूमुलेटिव टाइम रिक्वायर्ड, ये भी शायद क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम था यार। हाँ एवरेज था टाइम शायद। क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू मेक 1000 यूनिट्स, मेरे को इतना टाइम लगता है क्यूमुलेटिव एवरेज ये, ठीक है अभी। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द टाइम रिक्वायर्ड टू मेक द 1000 यूनिट। तो सबसे पहले ऐसे ही इसको रखेंगे, इसको नीचे जाके इसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। और मुझे अभी तक इसमें याद है अपन इसको खाली 1000 और 999 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ऊपर मैंने एक चेंज नहीं किया, यहाँ पे 999 आ जाएगा, ठीक है तो इधर भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। X 1000 आता है ना, दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड टू मेक द 1000 यूनिट, ठीक है तो ये दोनों मिल गए। अब मैं क्या करूंगा,
मेरे को 1000 यूनिट बनाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, अब मेरे को यूनिट्स बनाने हैं 2,49,000 तक के, अब क्या होता है इसके बाद? अमी तुझे क्या लगता है? सेकंड देख, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अपन ने पहले 1000 क्यों बनाया फिर, समझा? नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द मेक द 100,000 यूनिट। नीचे का थोड़ा सा क्या लिखा है मैंने, थाउजेंड यूनिट का तो अपने को निकालना है, तूने वो वापस क्यों किया? ये शायद ऊपर है ना, ये मैंने सिर्फ इसके लिए किया था, 1000 यूनिट्स के लिए पहले, तो वो मैं श्योर हाँ, नहीं हूँ कि उसको भी करना था कि नहीं करना था। जब मैंने 1000 यूनिट, वन हाँ बोल बोल। थाउजेंड यूनिट्स का करना रहता है, लाइक पूरा 1,000 यूनिट। फिर वो पूरा 1,000 होने के बाद अपन सिर्फ 999 का करते हैं, नाइन नाइन हाँ नाइन का। हाँ फिर ये को माइनस करके अपने को एक का आएगा जो 1,000 का रहेगा, तो वो ऐसा तेरे रहता है ना? थाउजेंड के बाद लग रहा है ना, वो तो तेरे थाउजेंड के बाद लग रहा है ना, क्योंकि 1000 तक तो कुछ और अमाउंट लग रहा होगा कि नहीं? तो अगर इस अमाउंट को माइनस करेगा तेरे को ये अमाउंट आता है। मुझे बस एक बात बता दे, जब अपन 1000 यूनिट का करते हैं तो क्या उसमें हाँ 1 से 1000 तक के जो यूनिट्स होते हैं वो भी इंक्लूडेड रहते हैं? हाँ जब अपन अभी तू टीएच लगाया ना, वो अपने को फाइंड करना है, 1,000 यूनिट अपने को फाइंड करना है, उसका वाई अपने को चाहिए। तो जो तू पहले निकला 1,000 का, हाँ वो अपना पूरा 1 से लेके 1,000 तक का कितना वैसा था वो लर्निंग कर्व का, बराबर। तो अपन निकलते हैं 1 से लेके 99 999 तक का, हाँ फिर अपन वो दोनों का माइनस करके अपने को 1,000 का मिलता है, ऐसा ओके है शायद वो। ओके, तो ये अपने को एक ही लेना है कि मतलब ये मेरा 1000 यूनिट था, हाँ इसका कॉस्ट पर और अभी इसका कॉस्ट बराबर 18 है, और इतना तेरे को एटीन है। टाइम लग रहा है, तो तेरा हाँ लेबर कॉस्ट हो गया 6.6 का, ऐसा? यस, ऐसा ही रहेगा। ओके, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ जरा कंट्रोल एक्स करके। तो अपना तो आ भाई मेरे को गया, वो 0.0.336 से को जो आया मेरे को वो नहीं आ रहा है, तेरा 999 का ये बता। अच्छा यार, मैंने हाँ देख ले। हाँ बराबर है वो 0.3668 पे क्लिक कर जरा। अच्छा, तो वो यूनिट से मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने। यूनिट से मल्टीप्लाई करना है भाई, ये वाली गलती मैं हमेशा करता था पहले, यूनिट से हमेशा मल्टीप्लाई। वर्किंग नोट 4, सॉरी रेफर वर्किंग नोट 5, रेफर वर्किंग नोट 4, अपने ये दो लिख दिए यहाँ पे, ये मार्जिनल चेंज हो रहा, यही तो। ओके, मेरा पॉइंट में आ रहा है, वेल डन। मैं कुछ तो हो क्या गए, हो गया? बस मेरा पॉइंट में आ रहा है, तो आंसर पूरा ऐसा गंदा गंदा हो गया, बिछड़ गया पूरा। अपन ने क्या नहीं लिया है? अपन ने मटेरियल नहीं लिया है, मटेरियल सी मटेरियल वाई, 500 ग्राम्स एट 10 पर ग्राम, 0.1, और 300 ग्राम्स पर 5, फिर भी आंसर मतलब बिछड़ रहा है, खराब 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 सा हो रहा है। पॉइंट सिक्स लेके देखूँ क्या इधर राउंड ऑफ में? हाँ फिर अच्छा आता है आंसर, लेकिन थिंक देना बेटर रहेगा ना।
तो प्राइस तो मेरे को मिल गया, और कुछ बाकी है क्या? टीयर कंपनी मैनेजमेंट हैज सेड दैट एनी प्राइसिंग डिसीजन अबाउट पैराफिन शुड बी बेस्ड अपॉन द टाइम इट इज टेकन टू मेक द 1000 बैच ऑफ द ड्रग। ओ ओके, मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि जो भी अपना प्राइसिंग का डिसीजन होगा वो अपने 1000 यूनिट के बेसिस पे होगा। मुझे अब तक क्या लग रहा था कि 1000 यूनिट्स तक का जो टाइम है प्लस 249,000 बनाने को चैप्टर में उनको ऐड करना है, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जो 1000 अपना बनाने का टाइम है ना यूनिट, हाँ उसके ऊपर सारा 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 प्राइसिंग का डिसीजन ये कर लो ऐसा, तो दोनों को ऐड नहीं अच्छा, करना तो है। अपने को ओके अब खाली प्रॉफिट निकालना है। सेलिंग प्राइस तो मिल गया क्या? सेलिंग प्राइस माइनस वही वही रहेगा प्रॉफिट, पर क्या होगा? नाउ टू फाइंड आउट द प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट, और फिर आता है प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस आ गया ये, फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट आ गया ये, कंट्रीब्यूशन इन दोनों का रिडक्शन, फिक्स्ड कॉस्ट में क्या दिया है? तो इस फिगर में 2 पर बैच द बजटेड बजटेड 250,000 वेरिएबल कॉस्ट क्या आया? 8.64। 208 ना, तेरे को सेम? सेम 208.604 वही। हाँ वही वही 604। फिर फिक्स कॉस्ट 2 का, और यहाँ पे ये माइनस ये आ गया मेरे को ये निकाला प्रॉफिट। तूने MR निकाला, हाँ सॉरी मार्जिन, क्वांटिटी मैंने निकाला? मैंने वो पहले ही ना सारे लिंक्स दे के रख दिए थे, तो फिर वो चेंज होते बैठा अमाउंट ऊपर। ओके ओके स्मार्ट। धन्यवाद धन्यवाद। 2,50,000 है ना मेरे यूनिट्स, तो इनटू 2,50,000। ओके ये बहुत ही हालत खराब आ गया। मैं प्रॉफिट का अमाउंट लिख देता हूँ, खाली लिंक पर यूनिट पे ही रखता हूँ उसको मैं। रिजल्टिंग एनुअल प्रॉफिट व्हिच विल मेक फ्रॉम चार्जिंग दिस प्राइस। अच्छा उन्होंने एनुअल प्रॉफिट ही पूछा है, ठीक है। 93.7 चलिए, 93.7 पर यूनिट। और दिस तो इनटू क्वांटिटी क्या आया? क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं 2,50,000 की मल्टीप्लाई करूंगा, मैं क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा। मेरा क्वांटिटी आया भाई 239,245। एक सेकंड। अच्छा चेक कर लेता हूँ मैं एक बार जरा मेरा आंसर, क्योंकि और कुछ बाकी तो नहीं लग रहा मेरे को। 5 आवर्स टू मेक 180% ऑफ द लर्निंग कर्व है, वो तो ठीक है, वो सब तो दिया हुआ था। 5 घंटे पहले लग रहे थे, मैं सब बराबर दिया हुआ ना, यहाँ पे 5 घंटा पहले लग रहा था। ए रेज टू पावर का फॉर्मूला लगाया हुआ है यहाँ पे, रेज टू में ठीक है। फिर उसमें से ए को मल्टीप्लाई किया, सेम चीज का लिंक नीचे दिया हुआ था, सो दैट्स ओके। आर्ली रेट भी ठीक है, रनिंग कॉस्ट सब भी ठीक है। पर तेरे को क्वांटिटी ये क्या आ गया? मैं कुछ गलत आया क्या? मेरे को क्वांटिटी कुछ अलग ही आ रहा है, तो मेरे को छाता है क्या? फॉर्मूला क्या है? एम आर इज इक्वल टू ए माइनस टू बी क्यू। टू बी किया मैंने राउंड ऑफ नहीं किया कहीं पर भी, मैंने सारे लिंक्स दिए हैं, तो वो जो कैच किया है वो किया है भाई। 305 करे ना अपन टीआरपी। चलो प्राइस का वो इक्वेशन तो बराबर आया। ओके अपना ये बराबर है, वेरिएबल कॉस्ट बराबर है, लेट्स गो। क्वांटिटी 239,250, 239,245 आया मेरे को, क्लोज इनफ। प्राइस 304.3, 304.3, लेट्स गो। प्रॉफिट 2,20,000, क्या है ये, मैंने 22,30,000। 1 मिनट यार, मेरे को इतना बड़ा फिगर ना,
2,23,96,255, acquired 2,24,00,000। जस्ट रह गया भाई, जस्ट रह गया। क्या गलती क्वांटिटी? अच्छा फिक्स्ड में 2,50,000 से मल्टीप्लाई करना है सिर्फ बैचेस को। मैंने पूरी क्वांटिटी को ही 2,00,000 से कर दिया था मल्टीप्लाई। मैंने पूरी क्वांटिटी को 2,39,000 से मल्टीप्लाई किया था। माय बैड माय बैड। ऐसा क्यों? अपन डिस्कस करते हैं जरा। एमी, क्या बोल रहा है? मैं बोला ये लोग ने क्या किया है, क्वांटिटी को पहले तो। अच्छा तू पहले आ जा, पहले तू प्रॉफिट निकालने पे आ जा, फिर मैं तेरे को बताता हूँ। फिर 2,39,000, 5,00,000, 2,25,278, 2,23,96,225। भाई यार अभी इसमें और क्या, और कितना गलती है इसमें। इन्होंने राउंड ऑफ किया है, मैंने राउंड ऑफ नहीं किया, वही होगा। काफी अच्छा समय दो। सम तो अच्छा है रे, बट डिटेलिंग बहुत है। हाँ तो ये जो अपन ने 1,000 यूनिट्स तक का निकाला था, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनने बोला है कि 1,000 यूनिट का जो प्राइस है उसके बेसिस पे सारा का सारा डिसीजन मेकिंग होगा। नाइस। देख, देखा क्यों ये ऐसा आ रहा है? क्यों? बराबर भी लग रहा है तेरा थोड़ा। 2,39,245 ना। हाँ बराबर वही है, जाने दे। मैं तुझे इसमें कोई मिस्टेक किया रहे हो फिर, मल्टीप्लाई करके बता। हाँ बराबर। अरे तेरा सुन ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, तूने ना माइनस माइनस किया है, वो एक ही बार माइनस है ना। हाँ, समझा समझा समझा। समझा समझा मेरे को यहाँ पे बराबर। भी माइनस देना पड़ेगा ना कि इसका नहीं माइनस नहीं हटा नहीं दो। नहीं नीचे आ जा, कंट्रोल जी कर दे। हाँ इज अरे इक्वल टू कंट्रोल, हाँ वो हटा, उधर आ जा। इज इक्वल टू, इधर पी पे ए हाँ हाँ पी पे इज इक्वल टू ए दस प्लस माइनस बी, क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस में है। समझा समझा। चलो लॉल भाई, नाइस। एक साइन के वजह से चल वो तो बराबर है, बाकी ये तो बराबर था तेरा। पी आ गया फिर तेरे को अमाउंट अभी फिर करेक्ट। यहाँ पे डालना है ना पी। हाँ बराबर, सेलिंग प्राइस वहां पे डाल दे। और क्या पूछा है फिर अपने को? उतना ही पूछा था। प्रॉफिट पूछा है तेरे को। अब मैं तेरे को यही डाउट पूछ रहा था कि उन्होंने बताया कि हाँ तू पहले, तेरे को तू तू पहले तेरा प्रॉफिट निकालेगा कैसे, पहले मेरे को वो बता। कुछ इन्फॉर्मेशन दिया वो लोग ने, मार्जिन वगैरह कुछ? देखो उन्हें सेलिंग प्राइस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, और उन्हें तेरे को फिक्स्ड कॉस्ट भी दिया है, तो फिर तेरे को भी निकालेगा। तो हाँ फिर वैसे निकालना पड़ेगा पूरा एक बार पूरा निकालना लेके। तो मेरे लिए, तो फिर निकालना मेरे लिए कि मैंने एक छोटा देखो सा मिस्टेक सेलिंग कर दिया प्राइस दिया उसमें। है, हाँ बराबर। सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। अरे जाने दे। अभी फिक्स कॉस्ट 25 लाख बोले, बराबर 25,000 कितना बोला था? 2,50,000, सॉरी।
वेरिएबल अपने को आया था 208, यूनिट्स कितना है, इनटू 1 मिलियन करेगा तो यही तो बैचेस है गेम लो, है, यही तो गेम है। तूने तो ऑलरेडी बैचेस है क्वांटिटी तो। निकाली हुई है, तूने ऑलरेडी तेरी क्वांटिटी निकाली हुई है। ओ वही तो, ओ ये शिट, स्टार्टिंग में मेरे को भी बट नहीं क्लिक ठीक हो रहा है। था। फिर सेलिंग प्राइस, वो ठीक है ना, तू सेलिंग प्राइस पे तो जा अभी। तू सेलिंग प्राइस के तू क्या करेगा, हाँ इनटू ये क्वांटिटी लेंगे कि क्वांटिटी, बजटेड दिया है वो। परफेक्ट, नहीं, परफेक्ट लिया है तूने, वही लेना है। अभी तू फिक्स्ड कॉस्ट के लिए पता है क्या करेगा, उन्होंने सबसे क्रेजी चीज, हाँ उन्होंने फिक्स्ड कॉस्ट के लिए डिलीट करना पहले वो। हाँ मेरे क्वेश्चन पे आ जा, मैंने फुल स्क्रीन नहीं शेयर किया रहा फिर। स्क्रीन करने का, ओ तूने भी ब्लैक रखा है ऊपर वो एक्सेल का कलर, हाँ हाँ अभी उन्होंने क्या बोला है उधर देखना, तो उन्होंने क्या बोला, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट इज 2 पर बैच बेस्ड ऑन द बजटेड प्रोडक्शन ऑफ 2,50,000 बैचेस। तो उन्होंने क्या बैचेस, किया, ओ टू इंटू 2,50,000 किया। सब्सक्रिप्शन को टू वही नहीं डॉलर समझा, पर तुम बैच। मेरे को वही नहीं समझा, क्योंकि मतलब इसका ये मतलब है क्या कि अपन ने ऑलरेडी फिक्स्ड ओवरहेड इनकर करके रखा हुआ है 2,50,000 के हिसाब हाँ से। फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड अपन ने 2,50,000 के, मतलब टोटल फिक्स्ड ओवरहेड देखो क्या आ रहा है। वो लोग ने बस ऐसा बोला कि फिक्स्ड ओवरहेड तेरा 2 है पर बैच और तेरा बजटेड प्रोडक्शन 2,50,000, तो तू कैसा लेगा, 2 into 2,50,000 करना पड़ेगा। मतलब वो तेरा चेंज नहीं होगा बजट की फिक्स प्रोडक्शन और कॉस्ट एज पर द क्वांटिटी चेंज, वो चेंज नहीं होगा। आई गेस फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट है ना ब्रो, वो तो अभी तू प्रोडक्शन तेरा क्वांटिटी कुछ भी रहने दे, तेरा ठीक है बजटेड अगर ये था तो तेरे को उतना ही लेना पड़ेगा आई गेस, वैसा रहेगा फिर वो। ठीक है, तो ले ले तू, कर ले फिर इनटू। तो ठीक अब तेरा वो आ जाएगा डायरेक्टली। आ रहा है क्या, तो तेरे को आता है 2,23,95,278। उनका आंसर देख, मैं तेरे को बताता हूँ क्या है। उनका आंसर है 2,23,96,000। नाइन्टी कौन सा कर सिक्स रहे हैं सब। अच्छा नाइन्टी बन गए सिक्स थ्री थाउजेंड है जीरो वो लोग फाइव का, ये नीचे आ जाए ना, तेरे सोल्यूशन पे आ जाए। अरे मैं बता देता हूँ ना अभी वो क्या चेक कर रहा है, मैं हाँ बता देता हूँ। उनका है 96,225। अरे भाई इतना क्या, तो अपना 1,000 रुपये का फर्क है, लेकिन अपने सारे अमाउंट्स बराबर मैच किए हैं, तो वो तो आई शायद गेस राउंड ऑफ का वो गलती रहेगा। राउंड ऑफ का, हाँ राउंड ऑफ का सीन है, बट स्टिल भाई मार्क्स देने चाहिए ना फिर ऐसे तो। मार्क्स हाँ मिलेंगे, मार्क्स तो मिलेंगे भाई, वो तो देगा। वो तो जब तू लर्निंग कर्व ट्राई कर रहा था उसी टाइम पे थोड़े बहुत मिल जाएंगे मार्क्स, वहां तक अपन पहुंचे। मेरे को वो वो लोग का लेबर रहता का है है ना ना, मेरे को वो जो कितना कितना मटेरियल वो, कॉस्ट है ना, मटेरियल पर यूनिट, मेरे को वो भी एकदम लास्ट मोमेंट पे आया कि मटेरियल कॉस्ट लेना पड़ेगा। हाँ, मेरे को भी नहीं पता था, वो तूने किया तभी याद आया मेरे को भी। 305 नहीं, 305 है ना, अच्छा हाँ, 305 नंबर है। बराबर। अब आजा थियोरी क्वेश्चन पे आजा, अपने इसमें खोल ले। वो लोग ने ये क्या किया, मार्क्स का दिया है ना एलोकेशन, अरे लॉल कौन भाई ये सब ये देखता है तो अलग ही भाई, है। कौन ये सब देखता है। हर एग्जामिनर अपने हाँ मूड पे ही मार्क्स देता है, अगर बीवी से झगड़ा किया रहेगा तो वो खराब ही मार्क्स देगा, है वो मार नहीं मारेगा उस मोमेंट पे। काफी आजा आजा थियोरी क्वेश्चन पे आजा। काफी क्लोज थे तभी। थ्योरी में क्या पूछा है वो लोग ने, डिस्कस एंड रिकमेंड वेदर मार्केट पेनिट्रेशन एंड और मार्केट मार्केट स्कीमिंग वुड बी द मोस्ट सुटेबल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉर टी आर कंपनी व्हेन लॉन्चिंग द न्यू एंटी मलेरिया ड्रग। इसमें ये पैराग्राफ में ना अपना वो है यूनिक है, यूनिक ना, है, रेवोल्यूशनरी है। यूनिक तो है तो मार्केट स्कीमिंग ज्यादा अच्छा है, बराबर
your company obtained a patent for this revolutionary drug and it is expected to save millions of lives. Millions of lives save करना है तो ये तो काफी लंबा प्रोसीजर है, तो लाइफ साइकिल लॉन्ग है ब्रांड का, तो उसके वजह से मार्केट पेनिट्रेशन ज्यादा बेटर है। देख कंपटीशन कोई है ही नहीं, क्योंकि वो बंदा पेटेंट लेके आ रहा है, तो कंपटीशन क्या भाड़ में भाई, तो मार्केट पेनिट्रेशन की बराबर, तो जरूरत ही नहीं है। स्कीमिंग बेस्ट है, अभी लेकिन ये तेरे को क्या है? पेनिट्रेशन थोड़ा बहुत तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अरे कम प्राइस रखेगा तो दिलदार आदमी है, ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा, ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। बट आदमी तो हराम हराम ही होता है, तो वो तो ज्यादा ही रखेगा, वो स्कीमिंग ही करेगा। देखना लास्ट मोमेंट पे उन्होंने वही बोला रहेगा कि स्कीमिंग इज बेटर। देखते हैं। विद पेनिट्रेशन प्राइसिंग अ लो प्राइस वुड बी इनिशियली बी विद अ लो प्राइस वुड इनिशियली बी चार्ज फॉर द एंटी मलेरिया ड्रग। द आइडियोलॉजी बिहाइंड दिस इज दैट द प्राइस विल मेक द प्रोडक्ट एक्सेसिबल टू अ लार्जर नंबर ऑफ बायर्स एंड देयरफॉर अ हाई सेल्स विल कंपेंसेट फॉर द लोअर प्राइजेस बींग चार्ज। द एंटी मलेरिया ड्रग वुड रैपिडली बिकम एक्सेप्टेड एज द ओनली ड्रग वर्थ बाइंग, दैट इज इट वुड गेन रैपिड एक्सेप्टेंस इन द मार्केट प्लेस। द सर्कमस्टेंसेज विच वुड फेवर अ पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी आर हाईली इलास्टिक डिमांड फॉर एंटी मलेरिया ड्रग, दैट इज द लोअर द प्राइस द हायर द डिमांड। There is no evidence that this is the case. A significant economies of scales scale could be achieved by TR company. If significant economies of scale could be achieved by TR company, so that higher sales volumes would result in sizable reduction in cost. It cannot be determined if this is the case here. If TR company was actively trying to discourage new entrants into the market, however, in this case, new entrants cannot enter the market anyway due to the patent. Barabar. If TR company wished to shorten the initial period of the drug's life cycle, so as to enter the growth and maturity stages quickly, there is no evidence or the company wished to do this. Shorten भी नहीं कर सकता शॉर्टन तो कैसे ही है। करेगा ड्रग वही की दवाई की लाइफ साइकिल। मार्केट स्किमिंग प्राइस। विथ मार्केट स्किमिंग हाई चार्जेस वुड इनिशियली बी चार्ज फॉर दी एंटी मलेरिया ड्रग रादर देन लो प्राइसेस। दिस वुड एनेबल टीआर कंपनी टू टेक एडवांटेज ऑफ द यूनिक नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। द मोस्ट सुटेबल कंडीशंस फॉर दिस स्ट्रेटेजी आर द प्रोडक्ट हैज अ शॉर्ट लाइफ साइकिल एंड हाई डेवलपमेंट कॉस्ट विच नीड्स टू बी रिकवर्ड। हाई डेवलपमेंट कॉस्ट समझा, शॉर्ट लाइफ साइकिल कैसा है भाई? शायद इसीलिए क्योंकि एक बंदा ड्रग एक ही बार लेगा ना। वो भी है। अभी तो ट्यूबरक्लोसिस या जो भी वो अपन दवाई देते बच्चों को पिलाते पोलियो के। दूध, एक ही बार लेगा ना बंदा। अच्छा बराबर। अभी देर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्रग्स लाइफ साइकिल बट डेवलपमेंट कॉस्ट हैव बीन हाई। Since high prices attract competitors, there needs to be barrier. There needs to be barrier to entry if competitors are to be deterred. deterred. In TR comp deterred. In company in TR company's case, it is a patent for the drug and also the high development cost act as a barrier. Where high prices in the early stage of the product's life cycle are expected to generate high initial cash flows, this will help TR company recover the high development cost it has incurred. अभी रिकमेंडेशन स्कीमिंग ही रहेगा देखना। Given the unique nature of the drug and the barriers to entry, a market skimming pricing strategy would be appear more suitable pricing strategy. Also, whilst there is a demand curve data, it is unknown how reliable this data is. In case skimming strategy may be the safer option. डिमांड कर्व क्या भाई, ड्रग है वो एंटी मलेरिया का, जितना ज्यादा है मतलब वो खराब चीज है, अगर डिमांड ज्यादा है तो उसकी लाइक देश के लिए खराब चीज है, उसका फर्क नहीं पड़ता भाई। देख देखना।